आज मेरी सर्जरी को 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है और मैं अपनी पीआरपी के लिए आया था। मैं अपने हेयर लॉस को लेके काफी परेशान हो चुका था, तो मेरे दोस्त वगैरह भी कहते थे कि पैचेस वगैरह कभी इस्तेमाल कर ले, डर्मो रोलर इस्तेमाल कर ले, पैचेस लगा ले, पर जो अपने नेचुरल बाल होते हैं ना तो वो अपने नेचुरली होते हैं। तुम्हें तो पता है कि तुमने पैच लगा रखा है, सामने वाले को तो नहीं पता, लेकिन खुद को कॉन्फिडेंस नहीं मिलता ना। वो हेयर फॉल ने मेरी लाइफ के 4 साल ऐसे ही निकल गए। मुझे लगता ऐसे ही लगने लगा कि हल्के हल्के जैसे मैं अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही खोता जा रहा हूँ। फिर मैंने कहीं भी जाना छोड़ दिया था बिल्कुल ही। ना मुझे कहीं पार्टी में अच्छा लगता था जाना, ना किसी के फंक्शन में मैं अटेंड भी नहीं करता था, अपने रिलेटिव के यहाँ भी नहीं जाता था हेयर फॉल की वजह से, क्योंकि हर टाइम कैप लगाना भी ठीक नहीं लगता। काफी टाइम हो गया था मुझे कैप लगाते लगाते, पर मैंने कभी सोचा नहीं कि अब जाके कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे सच में ऐसा पता होता कि किसी मेडिसिन से या किसी उससे ये नहीं रुकते, तो मैं बहुत पहले ही ट्रांसप्लांट करा लेता। तो अब मुझे जाके कुछ टाइम बाद यूट्यूब पे QST के बारे में पता चला, तो मैंने यशपाल सर की वीडियो देखी जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ फाइनली मुझे अब एक ऐसा क्लिनिक मिल गया है QST हरिद्वार में। मुझे बेस्ट लगा इसलिए मैंने QST ही चुना। दिल्ली में भी काफी क्लिनिक थे जो मुझे काफी चीप रेट में यहाँ ट्रीटमेंट करने को राजी थे, दे भी रहे थे रेट मुझे, लेकिन मुझे दिल्ली ठीक नहीं लगा। QST के अलावा मुझे कोई और बेस्ट लगा नहीं। और QST की जब मेरी बात हुई, मैं इनसे मिला, इनकी टीम से मिला, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि QST की टेक्निक क्या है, कैसा यहाँ का स्टाफ है, कैसा यहाँ मैनेजमेंट है, तो मुझे काफी अपना फन फील हुआ। तो इसलिए मैंने QST चुना, जो मेरा डिसीजन मुझे लगता है कि अब तक बहुत बेस्ट है। अब सर्जरी को मेरे 1 मंथ हो गया है, और मैं पहले आपको अपनी सर्जरी के बारे में प्रॉपर बता नहीं पाया क्योंकि मुझे इमरजेंसी में अपने घर वापस जाना पड़ा किसी रीजन की वजह से। अब मैं आपको अपनी सर्जरी के बारे में प्रॉपर बताऊंगा ठीक से अच्छे से। पहले तो मैं OT में जाने से पहले काफी नर्वस था। फिर जब मैं OT में गया तो डॉक्टर से मेरी बात हुई, वहाँ का जो स्टाफ था काफी अच्छा था, काफी हाइजीनिक था सब कुछ, तो मतलब फिर सब नॉर्मल सा ही लगने लगा। जब उन्होंने मुझे काफी मतलब पुश किया, मेरी हेल्प की, मुझे बताया कि सब नॉर्मल ही है, कुछ इतना बड़ी बात नहीं है। तो शुरू में जब एनेस्थीसिया मुझे दिया था तो मुझे हल्का सा माइनर सा पेन हुआ था, उसके बाद मुझे पता नहीं चला, सब कुछ बिल्कुल इजिली इतना हो गया कि ऐसा लगा कि जैसे मैंने हाथ में अपने टैटू वगैरह करा रखे हैं, इतना नॉर्मल सा पेन होता है। मेरी सर्जरी को 2 दिन लगे, 5500 मेरे ग्राफ्स लगे, और मेरी QST टेक्निक से मेरी ग्राफ्स लगे हैं। तो सर्जरी कराने से पहले मेरे दिल में भी काफ़ी कन्फ्यूजन थी कि मतलब मैं अकेले जाऊं या ना जाऊं। तो मैं अपने साथ अपने 4-5 दोस्त लेके आया था, लेकिन आप चाहो तो अकेले भी आके नॉर्मली अपने सर्जरी करा सकते हो, कुछ नहीं है, बहुत ईजिली आप आओगे सर्जरी करा के नॉर्मली चले जाओगे। तो जैसे कि मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई थी, तो जब मैं अपने घर गया था तो फर्स्ट नाइट मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। स्टेट मुझे सोने के लिए बताया था सर ने कि आपको स्टेट ही फैन की तरफ देख के सोना है, तो उस टाइम मुझे 2-3 दिन थोड़ी दिक्कत हुई थी। लेकिन जब मेरा फर्स्ट हेड वॉश हो गया था, फिर उसके बाद जब मेरा काफ़ी दोनों एरिया आप देख सकते हैं काफ़ी अब हील हो चुका है पहले से, तो जब मैं ठीक से सोने लग गया था, फिर मुझे कुछ पहले जैसा सब कुछ नॉर्मल लगने लगा था। लेकिन हाँ, 1-2 दिन थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वो सभी को होता है, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं कर लीजिए। लेकिन अब जाके मुझे ऐसा लगता है कि मेरा खोया हुआ कॉन्फिडेंस पहले से थोड़ा थोड़ा वापस आ रहा है। आप मेरी हेयरलाइन देख सकते हैं, अभी शेडिंग फेज चल रहा है, 2-3 मंथ में ये चलेगा, 4th मंथ में जाके मैं पहले जैसा अपना सुपर हीरो जैसा फील कर सकता हूँ। मैं अपने जो भी मेरे जैसे जो हेयर फॉल की दिक्कत में परेशानी में थे मेरे भाई, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप आइए QST क्लिनिक में, अपनी प्रॉब्लम बताइए सर को, और मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आगे आपको बिल्कुल अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप सेटिस्फाइड होकर यहाँ से जाएंगे। तो अभी तक मेरा QST के साथ काफ़ी अच्छा रहा है, और आप देख सकते हैं मेरे अभी तक 1 मंथ की कंडीशन, और मेरी पुरानी पिक्चर भी आप देख सकते हैं। आई होप आगे भी बहुत अच्छा मिलेगा रिजल्ट, जैसा अभी मैं काफ़ी खुश हूँ अपने रिजल्ट के साथ। अभी तो मेरा शेडिंग फेज चल रहा है, लेकिन 2-4 महीने बाद मैं आपको फिर दिखाऊंगा अपनी फोटोज, तो आप देखना कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और थैंक यू QST, थैंक यू फॉर टीम। If you like this video, share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel.